बात करेंगे एक बड़ी खबर की जो इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है और कांग्रेस को उससे एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि एसपी बीएसपी और आरएलडी ने मिलकर गठबंधन बनाने का फैसला किया है। देखिए, एसपी बीएसपी आरएलडी एक साथ 2019 का चुनाव लड़ेगी और सीटों का बंटवारा कुछ ऐसे है, बीएसपी 38, समाजवादी पार्टी 37 और आरएलडी 3 सीटें, और कांग्रेस को इसमें नहीं रखा गया है, जो बड़ा झटका है। इस वक्त हमारे साथ पंकज झा मौजूद है लखनऊ से, हमारे साथ सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, क्या है पूरी जानकारी? कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, और जो अभी पहली शक्ल हम देख रहे हैं जानकारी की, उसमें कुछ और बदलाव के संकेत भी है क्या? नहीं, ये पहले ही अखिलेश यादव और मायावती ने तय कर लिया था कि इनके गठबंधन में कांग्रेस नहीं रहेगी और सिर्फ रायबरेली और अमेठी पर ही अपने उम्मीदवार नहीं लड़ाएंगे। पहले भी समाजवादी पार्टी इन दोनों सीटों को उम्मीदवार नहीं लड़ाती थी, बीएसपी भी यहाँ पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, और एक तरीके से तय हो गया है कि बीएसपी समाजवादी पार्टी से एक या दो सीटों पर अधिक लड़ सकती है और आरएलडी इस गठबंधन में रहेगा, उसे 4 या 5 सीटें मिल सकती है। जी, बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पंकज झा हमारे साथ लखनऊ से मौजूद थे। तो ये पहले ही तय हो चुका है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच, आरएलडी भी इस गठबंधन में शामिल होंगी, कांग्रेस को फिलहाल इसमें जगह नहीं दी गई है। क्या कांग्रेस की प्रतिक्रिया होगी, इसका भी इंतजार रहेगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।